तारीख 4 जनवरी दिन शनिवार, स्वागत है आपका सत्यम न्यूज ब्रेक टीवी में। कुछ अहम खबरों के साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। खबर जौनपुर जिले के बरसरजी से है, जहां निगोह बाजार में कुसा रोड पर शुक्रवार की शाम नकाबपोश बाइक सवार बदमाश असलहे के बल पर बिल्डिंग मटेरियल कारोबारी से 80,000 नगद और सोने की चैन लूट कर फरार हो गए हैं। निगो सूर्यामा मार्ग पर श्रीराम पीजी कॉलेज के यह वारदात है। बिल्डिंग मटेरियल के कारोबारी संत राम यादव अपनी दुकान पर बैठे थे। बताया जाता है कि उसी वक्त 3 नकाबपोश बाइक सवार बदमाश पहुंचते हैं और असलहा तान कर मारपीट करते हुए गले में रखे 80,000 रुपए और गले से सोने की चैन छीन कर फरार हो जाते हैं। पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। इसी तरह दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से चौंकाने वाली है। एक ओर जहां सरकार दिल खोलकर आवासीय योजना का लाभ ऐसे लाभार्थियों को मुहैया कराने में जुटी हुई है जिनके सिर पर छत नसीब नहीं है। सरकार के इस आवासीय योजना पर गौर करें तो पिछली किसी भी सरकारों ने ऐसी योजना नहीं चलाई थी, चाहे प्रधानमंत्री आवासीय योजना हो या फिर कोई और। लेकिन बिचौलिए व आवासीय योजना का लाभ लेने वाले कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जो अधिकारियों को भ्रमित कर कई आवासीय योजना का लाभ लेकर बैठे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर भदोही जनपद के भदोही शहर स्थित इंदिरा आवास का है। यहाँ कई ऐसे आवंटी मौजूद हैं जो पहले इंदिरा आवास का लाभ लिए, फिर उसके बाद अधिकारियों को भ्रमित कर अपनी व पत्नी के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर पैसा भी ले रखा है। कुछ तो ऐसे भी हैं जो कांशीराम आवास, इंदिरा आवास सहित अब प्रधानमंत्री आवास का पैसा भी डकार रहे हैं। भदोही जनपद के डूडा अधिकारियों को भ्रमित कर कई ऐसे लाभार्थी हैं जो कई तरह के आवासीय योजना का लाभ लेकर बैठे हुए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण भदोही शहर के महादेवपुर स्थित कांशीराम आवास व इंदिरा आवास शामिल है।